नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं, बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी हां, पर डरिएगा मत, क्योंकि ये भूकंप के झटके बहुत ज़्यादा समय तक के लिए नहीं थे, इसलिए थोड़ी राहत की बात है। पर बड़ी खबर ये है कि बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, सीमांचल इलाके में इसका असर देखा गया है। तो आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। पटना की तो बात नहीं करेंगे, पर पटना में हल्की डोली है धरती पर, खासकर इसका जो भूकंप का असर है सीमांचल इलाके में बताया जा रहा है ज़्यादा आया है। कम से कम वहां पर 20 सेकंड तक जो है धरती डोली है। तो सीमांचल इलाकों में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए हैं। पटना में मामूली झटके लगे हैं, पर भूकंप आया है बिहार के अंदर। हम आपको बड़ी खबर ये बता रहे हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं, सीमांचल इलाके की तस्वीर है, किशनगंज की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लोग भूकंप के झटके के बाद घरों से बाहर निकल आए, मन में डर दहशत पैदा हो गया उनके। तो ये बड़ी खबर है, खासकर सीमांचल इलाके में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। और बताया जा रहा है कि सिक्किम नेपाल बॉर्डर पर भूकंप की तीव्रता जो मापी गई है 5.4, यानी इसका जो सिक्किम नेपाल बॉर्डर पर बताया जा रहा है भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई है, और उसका असर बिहार में भी देखने को मिला है। बताया जा रहा है बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, जहां चुनाव हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल, असम और बिहार, इन तीन राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो बिहार का जो सीमांचल इलाका है उसमें काफ़ी देर तक ये झटका महसूस किया गया। किशनगंज के ठाकुरगंज में जो है ये ज़्यादा देर तक महसूस किया गया। जो बॉर्डर इलाके हैं, बिहार के सीमांचल के इलाके हैं, वहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो हम आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, और भूकंप की तीव्रता का अंदाज जो है लगाया जा सकता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से भूकंप का महसूस होने के बाद, झटके महसूस होने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। हालांकि पटना की बात करें तो पटना में इसका एहसास नहीं हुआ लोगों को, पर भूकंप की खबर के बाद हड़कंप जरूर है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।